नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार वे भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने सांसद निधि के तहत भिवानी में करीब 50 लाख से भी अधिक की लागत से तैयार हुई मोटरसाइकिल दिव्यांगों को निःशुल्क वितरित की। इस अवसर पर उनके साथ जिला उपायुक्त सुजान सिंह सहित अनेक अधिकारी रहे। बैटरी युक्त मोटरसाइकिल मिलने पर दिव्यांगों ने सांसद व सरकार का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि सांसद ने आज भिवानी जिले के 134 दिव्यांगों को यह तोहफा दिया। इससे पहले जिले के उन दिव्यांगजनों के फॉर्म भरे गए और उसके बाद दिव्यांग के प्रतिशत को देखते हुए 134 का नाम चयन किया गया। और इसी के साथ देखते रहिए पर्पल की खास रिपोर्ट। इसमें हमने आज 50 लाख के ये इंस्ट्रूमेंट खासकर मोटराइज साइकिल दी हैं, क्योंकि जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं कुदरत में देखा जाए तो दिमाग हमारे से भी ज़्यादा दिया है इनको, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली हैंडीकैप की वजह से आज केंद्र की सरकार, प्रांत की सरकार, जिला प्रशासन मिलकर बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिससे ये अपना गुजारा कर सकते हैं, खुद भी आगे बढ़ सकते हैं, परिवार और देश प्रदेश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि हौसले में इनकी कोई कमी नहीं है। वेलफेयर के हिसाब से सरकार भी मिलकर इनकी सपोर्ट करती है। आज तकरीबन 134 ऐसे ये लाभार्थी से जिनको ये मोटराइज साइकिल दी हैं। 2 महीने के बाद दोबारा कैंप लगाया जाएगा, इससे भी दुगनी मात्रा में हम दोबारा से बचे हुए जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको किसी प्रकार की जैसे ये उचित समझेंगे वो सहायता करें। तो इसकी एक ट्राई साइकिल की कीमत 37,000 के आसपास है। टोटल 134 हमने ट्राई साइकिल जो मैकेनाइज्ड हैं आज दिव्यांग भाइयों और बहनों को दी हैं, और ये सारा सांसद महोदय की अगुवाई में और उनके कर कमलों से वृद्धि की गई हैं। जो बच गए हैं लोग उनके लिए भी सांसद महोदय ने विश्वास दिलवाया है LMCO के माध्यम से कि अगले 2 महीने में हम फिर एक कैंप करेंगे और जो लोग बच गए हैं उनको मैकेनाइज जो भी उपकरण है वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपना जो दिनचर्या है या और जो अपना जो कार्य करते हैं अपना रोजी रोटी के लिए वो अपना एक आसान तरीके से वो कर सकें और एक सम्मान सहित अपना जीवन जी सकें, मुख्य धारा में आगे अपना कार्य करें। तो सर क्या क्राइटेरिया रखा जाता है इनका? क्राइटेरिया इसको मेडिकल बोर्ड आइडेंटिफाई करता है जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप होते हैं व्यक्ति, जो उनको कितना परसेंटेज उनका हैंडीकैप है और वो कितना परसेंटेज के बाद वो कौन सी उपकरण से उनको मदद हो सकती है अपना जीवन को सरल बनाने में और अपना पूरा कार्य करने में।